नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आपका मित्र जितेंद्र सिंह चौहान अपने YouTube चैनल पर एक सोलर पंप की नई वीडियो लेकर के आया हूं। और ये सोलर पंप हमने खुद ही इंस्टॉल किया है। ये जितनी वीडियो हम डालते हैं, हम ही इंस्टॉल करते हैं इनको, वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, यही कहना चाहता हूँ, देखिए इतने लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब चैनल को बहुत कम लोग करते हैं। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे करें तो सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि दोस्तों इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और आपके खेतों पे जाके, इतनी दूर दूर जाके आपके ये पंप इंस्टॉल करके आते हैं, और कोई समस्या होती है वो भी सुनते हैं, फ़ोन पर भी सुनते हैं, कमेंट का जवाब भी देते हैं और जाके अपना पर्सनली जाके भी ठीक करके आते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये हमने आज 3 HP का सोलर AC मोनोब्लॉक पंप लगाया हुआ है, 3 HP का। यहाँ पर ये हमने पैनल जो इसमें यूज किए हैं, ये विक्रम के मोनोपर्क हाफ कट पैनल हैं, 445 वाट का एक पैनल है इसमें ये। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमने टोटल 9 पैनल लगाए हैं, लगभग 4 KW के समथिंग ये पावर हो गई है। ये पैनल का गिलास चटका हुआ है, यहाँ पर जो इसका गिलास होता है वो चटक गया है, और ये यहाँ पर हमने पंप इससे चलाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इसकी हमने BFD लगाई हुई है, ये क्रोमटन कंपनी की ड्राइव है, 3 HP की सोलर ड्राइव है। तो दोस्तों इससे, इसमें एक सेटिंग आती है जो हम करके देते हैं, इससे सिंगल फेस मोटर भी चल जाती है और 3 फेस भी, जो हम करके देते हैं या और भी लोग करके देते हैं। और ये यहाँ पर देखिए चल रहा है पंप, ये 3 HP का सोलर मोनोब्लॉक पंप है, और ये उषा कंपनी की मोटर है, सिंगल फेस मोटर है, आप देख सकते हैं इसको, ये आपको दिखाते हैं। देखिए ये उषा कंपनी की मोटर है, यहाँ पर चल रही है। और दोस्तों ये पानी का फोर्स आपको कम लग रहा होगा, क्योंकि ये जो इसके ऊपर बैंड लगा हुआ है, जो डिलीवरी है, ये 4 इंच का बैंड लगा हुआ है, और अभी ये दिन के लगभग 3 बजे के बाद का प्रेशर है पानी का, आप देख सकते हैं, तो इसलिए आपको कम लग रहा होगा थोड़ा। लेकिन जैसे ही ये 12-1 बजे पूरा प्रेशर का पानी देता है, इसके बाद बावजूद भी ये 6 से 7 बीघे ज़मीन सुबह से शाम तक भर देता है, और धानों में यहाँ पर ये पानी हमने चलाया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पैनल का गिलास चटका हुआ है, और ये बहुत लो बजट पंप है, बहुत कम खर्चे में ये लग गया। अगर किसी को भी लगवाना हो तो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर बताए हुए हैं, वहाँ से वीडियो देखें, नंबर लें, हमसे संपर्क करें, हम पूरा बताएंगे। बहुत ही लो बजट पंप है ये, क्योंकि ये टूटा हुआ पैनल है। पैनल की एफिशिएंसी में थोड़ी सी कमी आई है, बट फिर भी पैनल करंट जो है अपना 90% तक पूरा दे रहा है ये पैनल करंट। क्योंकि देखिए सभी का काम करना पड़ता है, जो लोग कहते हैं भैया हमारा बजट कम है, उनका भी करना पड़ता है। तो थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार चैनल पर बने रहें और अपना सपोर्ट बनाए